हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। तो वापस से स्वागत करता हूँ फिर से एक नई सुबह में। तो गाइस, रात आपने देख ही लिया था कि हम कहाँ रुके थे। कैंप में रुके थे हम, और मैं आपको दिखा दूँ चारों तरफ आपको इस तरीके के कैंप दिखेंगे। ये देखो, ये सारे कैंप ही कैंप हैं, ये सारे कैंप ही कैंप हैं यहाँ पर। और ये देखो, अभी सुबह में हमने यहाँ पर नहा के और फ्रेश होके अब निकल रहे हैं हम टेंपल की ओर। तो अभी रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ती हैं मैं आपको अच्छे से बताता हूँ डिटेल में। और सच बताऊँ, लिटरली बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और अभी तो हम ठंडे पानी से नहाए थे। मैं जब ठंडे पानी से नहाया था ना, तो ऐसा लग रहा था ना कि जम जाऊँगा पूरा अच्छे तरीके से। तो गाइस, यहाँ से हमने फिर से ट्रैकिंग शुरू कर दी है। यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर है टेंपल जहाँ हम रुके थे। ये बेस कैंप में रुके थे हम। सारे लोग बेस कैंप ही आकर रुकते हैं अधिकतर लोग। बाकी जो लोग थक कर हार जाते हैं वो पीछे ही रुक जाते हैं, स्टे कर लेते हैं। बट बेस कैंप ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बेस कैंप से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है। तो अभी सारे लोगों ने चलना शुरू कर दिया है। आगे मैं दिखाता हूँ भीड़। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर लगातार उड़ रहे हैं, जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं। तो वो इस तरीके का भीड़ हो रहा है, देख रहे हो। और यहाँ पर इतनी ठंडी, और आप मेरे सामने देख रहे हो ना, वो ये देख रहे हो, ये सारी ना बर्फ़ ही बर्फ़ है सब तरफ। ये हिमा, ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़ की। और इधर जो पहाड़ हैं वो सारे सूखे पहाड़ हैं, हरे वाले। और जो बाढ़ आई थी ना, बाढ़ जो आपदा आई थी, उसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको। तो चलो चलते हैं आगे। तो फाइनली गाइज, हम टेंपल के पास पहुंचने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी डायरेक्ट हेलीपैड है एक, जो कि टेंपल के 100 मीटर दूर है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो गाइस, अभी मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं जस्ट। तो सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। पूरी रात ट्रैकिंग करने के बाद तबीयत बहुत बेकार हो चुकी थी। रात को हमने आराम किया। सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बहुत ज़्यादा ठंड। और गाइस, जो आपदा आई थी ना, आपदा 2013 में जो आपदा आई थी, वो आपदा इस जगह पर आई थी। आप देख रहे हो ना, उधर से पानी आया था सारा, और इधर की ओर सारा पानी इधर की ओर आया था। इधर से पानी नीचे की ओर गया था, और इस सब जगह भी पानी था। आप जैसे देख रहे हो ये रोड है, बट ऊपर पानी नहीं था। जो पहाड़ी ऊपर है ना, वहाँ पे पानी नहीं जा पहुँचा था अभी इसी रोड पे, और नीचे पानी था। बाकी अभी मंदिर में चल के बताते हैं आपको कि कहाँ से वो बाढ़ आई थी, जो आपदा आई थी 2013 में, और उससे क्या क्या नुकसान हुए, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे अभी। तो अभी आप वीडियो में बने रहें, और वीडियो को प्यार ज़रूर देना अपना। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बोलना। आपके मन में जो भी केदारनाथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, या जो भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस, आपको एक बात बता दूं, यहाँ से ट्रैकिंग करते समय बहुत सारे वॉशरूम आपको अवेलेबल हो जाएंगे, अगर आप जाना चाहते हो तो। जैसे कि देखो, 100 मीटर दूर पर ही ये कुछ वॉशरूम है, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको दिखा दूँ पास से, ये पूरा हेलीपैड है। यहाँ पर ही आकर हेलीकॉप्टर रुकते हैं, और जो भी पैसेंजर होते हैं उन्हें छोड़ते हैं, और यहाँ से उन्हें पिकअप भी करते हैं। इनका चार्जेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो गाइज, अभी हम मंदिर के पास आ चुके हैं। यहाँ से समथिंग 50 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर 50 मीटर दूरी पर आपको पीछे दुकान मिल जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। और प्रसाद का चार्जेस वगैरह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी दुकानें हैं यहाँ पर प्रसाद की। प्रसाद का मैं बताऊँ आपको रेट। ये जो बैग दिख रहा है आपको, ये कितने का भैया? 250 का। ये 250 का है, और ये 200 का, और ये 100 का है। तो प्रसाद के रेट कुछ ऐसे हैं। जो ये आपदा आई थी 2013 में, यहीं से आई थी सारी? वो जो आपको पीछे दिख सकते हो, बाढ़ दिख रहे हैं ना, पूरा ग्रीन हुआ करता था। अच्छा, ये सारा ग्रीन हुआ करता था जब वहाँ से एवलांच हुआ, बाढ़ आई, ये सारा पहाड़ बड़े बड़े टूटने लगे। अच्छा, और मंदिर के साथ पूरा पूरा जो दुकानें थी, नामी धर्मशाला थी, सब बहती चली गई। अच्छा, यहाँ से फ्लड आया तो इस साइड से आया। अच्छा, इस साइड से और इस साइड से आया था। आप जो कटा हुआ ऐसा है ना, आप इमेजिन कर सकते हो, वहाँ से बाढ़ के सेकंड पूरा आया। अच्छा, वही सारे ग्रीन ग्रीन। अच्छा, और 2013 में जो बाढ़ आई थी तब आप थे यहाँ पे, मतलब तब आपकी दुकान थी? तब यहाँ पे नहीं थी। हैं, यहाँ नहीं थी, उधर की साइड। अच्छा, उधर की साइड थी, उधर बाढ़ नहीं आई थी? उधर आई तो थी, पर उधर ही तो पूरा साफ हो रखा है, दिख रहा होगा सामने, उधर पूरा साफ हो रखा है। उधर उधर नहीं, पहले यहाँ थी, पहले मंदिर में थी। अच्छा, पहले मंदिर में वो करती थी दुकान? मंदिर में
तो उसके बाद जब बाढ़ जो आई थी तो पानी तो आप लोग को चोट वोट मतलब बहुत सारे, मैंने सुना बहुत सारे लोग मर गए थे, 2-3 लाख लोग मर गए थे। तब आपकी दुकान उस साइड थी, इस साइड थी मतलब इस साइड थी, तो आपकी दुकान बर्बाद हो चुकी होगी। और जब बाढ़ आई थी तब आप यहीं पे थे तो बच गए थे आप, कैसे? ऐसे कि मंदिर के आसपास भाग गए तो मंदिर में पानी आया, नहीं तो मंदिर में बच गए। अच्छा, तब वो उस साइड आई थी सारी बाढ़, जो आप देख रहे हो कोई पहाड़ दिख रहे ना, उस साइड से पूरी ऊपर से बाढ़ आई थी, आपदा आई थी 2013 में, और इस साइड से भी पानी आया था, यहाँ से भी पानी आया था। अच्छा, पानी आया नहीं आया। अच्छा, भैरवनाथ के मंदिर पर नहीं आया पानी, राइट है लेफ्ट है भैरवनाथ। अच्छा, तो भैया बोल रहे हैं जो ये भैरवनाथ का मंदिर दिख रहा है ना आपको, ये मतलब ये बच गया, जो भैरवनाथ का मंदिर है ना, ये आपको दिख रहा होगा मेरी उंगली की साइड, नाम क्या है चैनल का? राज गंगवार। तो यहाँ पर जो भैरवनाथ का मंदिर दिख रहा है आपको, मतलब इस साइड बाढ़ आई थी और इस साइड बाढ़ आई थी, और जो मंदिर के साइड है वहाँ पे बाढ़ नहीं आई थी, ये मंदिर ये बच गया, और जो इधर मंदिर है वो भी मंदिर बच गया, मतलब टोटल कुल मिला के जितने भी मंदिर थे वो बच चुके हैं। और नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ था, जो भी लोग थे 1-2 लाख लोग मर चुके थे। भाई भाई कैसे है प्रसाद? भाई दूसरों का ये वाला है ना बॉक्स। गाइस ये देखो पूरा बादल ऊपर की ओर आ रहा है, देखो उड़ के देख रहे हो आप, ये सारे बादल है, ये सारा उड़ के ऊपर नीचे से ऊपर की साइड आ रहा है। तो गाइस अभी मंदिर के पास आ चुके हैं, और मैं आपको बता दूं मंदिर के पीछे ना मतलब बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, बोल रहे हैं कि जो लोग लाइन से जा रहे हैं ना उनको दर्शन सही से मिल रहे हैं, डायरेक्ट जाने पर शायद दर्शन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए लाइन में लग गए हैं और वेट करते हैं अपने बारी का। वैसे मैं आपको दिखा दूं लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, हो सकता है 2 या 2.5 घंटे पे नंबर आए, मैं लाइन दिखाता हूँ आपको से स्टार्टिंग से, और ये पूरी लाइन लगी हुई है आगे, और ये देखो वो भी पूरी लाइन जा रही है, लाइन जा रही है इधर से घूम के उधर से मंदिर को जाएंगे, काफ़ी लंबी लाइन है और हो सकता है 1.5-2 घंटे लग जाए या 3 घंटे भी लग सकते हैं। बट अब भोलेनाथ के दर्शन करने हैं तो लाइन में तो लगना पड़ेगा, अभी लाइन में लग चुके हैं और दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे भैरवनाथ। भैरवनाथ अभी थोड़ी दूरी पे है, मैंने जैसे कि दिखाया था आपको, वो आपको दिख रहा है ऊपर, ये देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा आ गया है आपको, वीडियो बन रही है वहाँ पे भैरवनाथ का मंदिर। मंदिर के पास आ चुके हैं, जय श्री केदारनाथ, और आप देख रहे हो पीछे मंदिर, और यहाँ पर काफ़ी रश है, मतलब बहुत ज़्यादा भक्त आए हुए हैं। तो गाइस आप देख रहे हो ये एंट्री गेट है मंदिर के अंदर का, जैसे जो लाइनें लगती हैं यहाँ से एंटर करते हैं, और दर्शन करने के बाद उस साइड से जो आपको एग्जिट गेट दिख रहा है यहाँ से एग्जिट हुए, यहाँ से लोग दर्शन करने के बाद निकलते हैं। तो गाइस अभी चल रहे हैं हम भीमशिला के पास, और भीमशिला के बारे में आपको कुछ बताता हूँ थोड़ा सा, तो चलो जहाँ भीमशिला है वहाँ चलते हैं। और अभी हमने दर्शन नहीं किए हैं क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है, और मेरे साथ के जो भाई हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, तो अभी हम मैंने सोचा वीडियो बना लेता हूँ। और अभी हम चल रहे हैं भीमशिला के पास, जिस भीमशिला से मंदिर बचा था, तो उसके पास चलते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं भीमशिला के पास, जहाँ ये भीमशिला है, भीमशिला के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये वही पत्थर है जिसकी वजह से मंदिर बचा था, जब ऊपर से पानी आया था ना, मतलब जब आपदा आई थी 2013 में, तो ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी आया था और सारी चीज़ें यहाँ पर तबाह हो गई थी, तहस नहस हो गई थी, बट ये मंदिर बच गया था। और मंदिर किसकी वजह से बचा था? ये पत्थर की वजह से, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो बड़ा सा पत्थर, आज के टाइम में इसकी भी पूजा करते हैं लोग, और इसको भीमशिला का नाम दिया गया है। इसको भी मैं पास से दिखाऊँगा आपको, और आपको बताऊँ मैं जितनी भी आपदा आई थी वो सारी इस साइड से आई थी, देख पा रहे हो जितना भी दिख रहा है ये सारा यहाँ पे हरियाली हुआ करता था, और जब यहाँ पे पहाड़ आई, जब आपदा आई, तो सारा मतलब ये सारे पहाड़ टूट के गिर चुके हैं, और इस साइड से पानी आया था सारा। और आप ये देख रहे हो ये मंदिर,
इस साइड मंदिर और ये है पत्थर, जिस पत्थर से ये मंदिर बचा था। तो चलो अभी हम चल रहे हैं पत्थर के पास। गाइस ये वही पत्थर है जिससे मंदिर बचा हुआ है, और आज के टाइम पे लोगों ने यहाँ पर सिक्के चढ़ाना और पूजा करना इस पत्थर की शुरू कर दिया है। इसी पत्थर की वजह से मंदिर बचा, और ये इतना बड़ा है, बहुत विशाल का है पत्थर है। और ये पत्थर जब यहाँ पर आया तो इस पत्थर से जो पहाड़ का पानी था वो दो भागों में बट गया, मतलब दो साइड में डिवाइड हो गया, एक इस साइड एक उस साइड, और मंदिर की जो पीछे की जगह थी वो पूरा बच गया। तो मंदिर के अंदर सिर्फ पानी ही गया था, बाकी कोई मंदिर में नुकसान नहीं हुआ। तो इस पत्थर के चारों ओर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये पत्थर पूरा आपको दिखेगा, ये देख पा रहे हो। और इस पत्थर की पूजा करना ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी पत्थर की वजह से ये आज मंदिर बचा हुआ है। और गाइस मैं बता दूं आपको, जहाँ से वो पानी आया था अब वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि दोबारा कभी ऐसी आपदा आए मंदिर को कोई नुकसान ना हो, और मंदिर में जो लोग हैं उनको कोई नुकसान ना हो। बाकी देखो ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, जो भी होता है सारी भगवान की देन है। पाप इतने बढ़ गए हैं कि ये होना ज़रूरी था, तो भगवान की माया है, भगवान जो भी करें सब अच्छे के लिए करते हैं, उसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो पूरा ये मंदिर के आसपास की जगह। तो गाइस अभी मैं आकर मंदिर के पास बैठ गया हूँ, पीछे बहुत लाइन लगी हुई है, शायद 4-5 भी बच सकते हैं, पता नहीं, बट अब आए तो दर्शन तो करने हैं, और उसके बाद हमने जाना है भैरवनाथ। बोलते हैं कि शिव शंकर जी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ भी जाना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। और भाई लोग आ रहे हैं, उसके बाद भी दिखाऊंगा मैं आपको। मैं तो थक चुका हूँ, तो मैं यहाँ के बैठ गया हूँ थोड़ा आराम। यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है सच में। तो अभी लाइन में देखते हैं वो कहाँ तक आए हैं, उसका दर्शन करते हैं। अगर अंदर फ़ोन अलाउ होगा या कैमरा अलाउ होगा तो अंदर की कुछ क्लिप बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरा ट्राई करूंगा आप लोगों को दिखाने का अंदर अच्छे से। तो आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को यार प्यार जरूर दिखा देना। यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, सच बताऊँ हिम्मत पूरा हार चुका था, बट बाबा जी के दर्शन करने थे तो हमें आना। तो गाइस फाइनली हमने दर्शन कर लिए, और जो हमारे साथ दो भाई थे, ये एक भाई है और एक भाई है हर हर महादेव, ये दोनों कोलकाता से, बाकी ये अमित। अब हमारे चारों के दर्शन हो चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं भैरवनाथ। भैरवनाथ के बाद हम लोग नीचे जाएंगे जहाँ हमारी बाइक है, फिर यहाँ से हम केदारनाथ से अपने घर की ओर निकलेंगे या फिर दूसरी राइड पर चलेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और बाकी की डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो गाइस अब हमने केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं, वो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। अब उसके बाद हम जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर। बोलते हैं केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करने अति आवश्यक है, वरना आपकी जो यात्रा है और जो दर्शन आपके पूरे नहीं होते हैं। तो उनके दर्शन करने ज़रूरी हैं। तो अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, और केदारनाथ जी का जो मंदिर है उस मंदिर से सिर्फ 2-1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर भैरवनाथ जी का मंदिर है, बट वो बहुत ज़्यादा चढ़ाई पर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और सीधे भैरवनाथ जी के मंदिर पर मिलते हैं। तो गाइस एक पत्थर हम भी रखते हैं, चल जा भाग, देखते हैं कि टिक पाता है नहीं टिक पाता है। तो गाइस देखो मैंने अपना पत्थर ये रखा हुआ है, और ये पूरा एक तरीके से शिवलिंग बन गया। तो यहाँ पर लोग टिकाते हैं, मुझे पता नहीं किस लिए टिकाते हैं, मत करते हैं। और ये हमारे साथ के कोलकाता वाले भाई भी। अच्छा एक बात बताओ, कोलकाता वाले वासियों कैसा लगा केदारनाथ जी का दर्शन करके? मजा तो बहुत आया। हाँ ये देखो भाई ने भी आखिर टिका दिया, क्यों भाई? इसके ऊपर कोई नहीं टिका पाया। इन भाई का नाम मेरे को भूल जाता हूँ बार बार, तो मैंने शंभू नाम रख दिया मैंने इनका, तो मैंने शंभू बोलता हूँ, हर हर शंभू। अभी हम पूरा बादलों के बीच में है, और अभी जा रहे हैं भैरवनाथ जी के पास। तो भैया ये बताओ आपको कैसा लगा दर्शन करके? यार बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। और जब हम शुरू से ट्रैक पे चढ़ाई कर रहे थे तब कैसा लग रहा था? काफी थक गए थे, बट मन में एक आस थी, एक होप थी कि हम जरूर करेंगे। और केदारनाथ जी के दर्शन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनके भाग्य में होता है, जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, हर कोई इनके दर्शन नहीं कर पाता। तो आप भी कभी आना चाहते हैं तो अपना प्लान बनाइए और आइए। ये देखो गाइस देख रहे हो आप, सारा बादली बादल है। अभी यहाँ से हमें मंदिर दिख भी नहीं रहा है, सुबह से खाना नहीं खाया हमने, जो प्रसाद चढ़ाया था खाली पेट चढ़ाया, मतलब जैसे हमारे को हिंदू धर्म में होता है।
जब हम कहीं मंदिर जाते हैं तो बिना कुछ खाए पिए जाते हैं, तो वैसे भी हम बिना कुछ खाए पिए आए थे। सुबह से हमने सिर्फ एक बार पानी पिया था, तो अभी भैरवनाथ जी के दर्शन के बाद एंड में हम कुछ खाएंगे। तो गाइस फाइनली हमने भैरवनाथ जी के दर्शन भी कर लिए और मत्था भी टेक लिया, और अब जाके हमारी ये दर्शन पूरे होते हैं, यात्रा पूरी होती है। और अब हम लोग अपना जहाँ पार्किंग में हमारी गाड़ी है वहाँ के लिए रवाना होते हैं। हमारे यहाँ कैंपिंग में लगेज थे, वो लगेज उठाएंगे और सीधे निकलेंगे हम अपने पार्किंग के पास जहाँ हमारी गाड़ियाँ हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो गाइस और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर मेरा ये पूरा ब्लॉग या पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।